आइए अब बात कर लेते हैं एनएसआर की, दैट इज नेशनल स्पॉट राउंड की, कि नेशनल स्पॉट राउंड क्या होता है, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए जो एलिजिबल हैं वो इनमें से कोई एक हो सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स जो जिनके पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं लेकिन जिन्होंने रेगुलर राउंड्स के लिए, दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड के लिए रजिस्टर नहीं किया था। दूसरे वो हो सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर किया था लेकिन जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई। तीसरे वो हो सकते हैं जिन्होंने, जिनको सीट अलॉट हुई थी रेगुलर राउंड्स में लेकिन जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट नहीं की। तीसरे वो हो सकते हैं कि जिन्होंने, जिनको सीट मिली भी थी, जिन्होंने सीट पे एक्सेप्टेंस फी जमा भी की थी लेकिन जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होने के कारण जिनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था, वो भी एनएसआर में पार्ट ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर दिया था लेकिन उन्होंने विड्रॉवल ले लिया था सीसीएमटी से, या फिर जिन्होंने रेगुलर राउंड्स के दौरान रिपोर्टिंग सेंटर में रिपोर्ट नहीं किया था, या फिर वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है अलॉटेड पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में आफ्टर गेटिंग अलॉटमेंट ऑफ सीट इन रेगुलर राउंड्स। अगर ये सब कुछ है तो ये सारी चीजें, ये सारे तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं एनएसआर के लिए या नेशनल स्पॉट राउंड के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। एनएसआर के लिए जो प्रोसीजर है वो, उसके लिए आपको दोबारा से फीस जमा करनी पड़ेगी, आपको एनएसआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। उसमें फीस आपके लिए 2500 रुपये की फीस होगी इन कैटेगरीज के लिए और 2000 रुपये की फीस होगी इन कैटेगरीज के लिए। ये सिर्फ एनएसआर की रजिस्ट्रेशन फीस है। एनएसआर की जो पार्टिसिपेशन फीस है वो है 40000 रुपये इन कैटेगरीज के लिए और 10000 रुपये है इन कैटेगरीज के लिए, तो ये आप ध्यान रख के चलेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने ये फीस पहले जमा कर दी है, जैसे ऊपर आपको मैंने दिखाया टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 तरीके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पहले ही पे कर दी चुकी जा चुकी है जिनके द्वारा 30,000 रुपीज़, उनके लिए ये जो फीस है वो यहाँ पर एडजस्ट कर ली जाएगी। अगर 40,000 रुपीज़ फीस है और 30,000 रुपीज़ अगर वो पहले ही पे कर चुके हैं तो अब उनको यहाँ पर सिर्फ 10,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए दिखाया गया है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप के हैं, जो ऊपर टाइप 6 टाइप दिए गए थे उनमें से, तो रजिस्ट्रेशन की फीस तो सबके लिए सेम है। यहाँ पर ये जो 40,000 है वो देखिए 10,000 रुपये हो चुकी है और यहाँ पर जो 10,000 रुपये थी वो इनके लिए निल हो चुकी है। तो यहाँ पर ओवरऑल फीस आपकी 42,500, 12,000, 12,500 और 2,000 रुपीज़ बनती है। उसका पेमेंट का जो मोड है वो वही है, मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन सिस्टम्स हैं आपके पास, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई चलान। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पहले राउंड की तरह ही इसमें भी नॉन रिफंडेबल ही है, तो सिंपल है। उसके बाद जो प्रोसीजर आपका स्टार्ट होता है, जो आपका शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइसेस को फिल करेंगे, लॉक करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे, वो सारी चीज़ें उस तरीके से ही चलेंगी। आपको फिर से रिपोर्टिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, आपको फिर से एनएसआर में, जो एनएसआर के थ्रू भी आपको उसी तरीके से जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यही सारा प्रोसीजर है। सीट अलॉटमेंट आपका उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपको रेगुलर राउंड्स में होना था उसी तरीके से होगा यहाँ पर। लेकिन आपको इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो जाती है तो आपकी जो एनएसआर की फ़ीस है वो रिफंड नहीं होगी। फिर इसके बाद रिपोर्टिंग अगर आप करते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, जो आपने डीवीसी ले रखा है आरसी से, दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो अगर आप दिखाएंगे, आप वहाँ पर जो आपकी बैलेंस एडमिशन फीस होगी आप वो जमा करेंगे, और उसके बाद जो क्लासेस हैं वो रेगुलर, जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है उसके अकॉर्डिंग वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।